हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मॉम किड्स केयर। मैं हूँ ज्योत्सना और आज मैं लेके आ गई हूँ बनाना दलिया खीर। बच्चों के लिए बहुत ही यम्मी है और हेल्दी है, तो चलिए देखते हैं। दलिया बनाना खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दलिया ले लिया है, जिसको मैंने 2 घंटे पहले से भिगो कर छोड़ दिया था। उसको अभी साफ़ कर लिया अच्छे से। यहाँ मैंने 1 बनाना लिया है, 1 कप दूध लिया है, 1 चम्मच घी लिया है, 1 चम्मच चीनी लिया है और यहाँ पानी लिया है। चीनी को आप स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। अब यहाँ मैंने कुकर गरम करने चढ़ा दिया है। मैं आज दलिया कुकर में बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया कुकर और कुकर गरम हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे घी, और घी को डालने के बाद उसको हम लोग गरम होने देंगे घी को भी। और जैसे ही घी भी गरम हो जाएगा उसमें हम तेज़पत्ता डालेंगे। मैंने तेज़पत्ता के बारे में नहीं बताया था, मैं भूल गई थी पहले, तो अभी इसलिए बता दे रही हूँ। तेज़पत्ता डालने के बाद मैं दलिया डाल दूँगी। तेज़पत्ता डालने से क्या होता है ना, उसका स्मेल एक बहुत अच्छा आ जाता है। और इताशा की आवाज़ पीछे से आ रही है आपको, तो यहाँ पे इसको अब हम लोग चलाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं चलाते दलिया को तो फिर उसके बाद नीचे से चिपकने लग जाता है। तो हम लोग को कंटिन्यूसली दलिया को चलाते रहना है 2 से 3 मिनट तक। तो उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे दूध। तो अब डाल देते हैं इसमें दूध। मैं पूरा का पूरा दूध इसमें डाल दूंगी, क्योंकि दलिया को पकने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि वो गाढ़ी हो जाती है नहीं तो, और नीचे से लग जाएगी। तो यहाँ पे फिर दूध देने के बाद भी मैं चला ले रही हूँ, नहीं तो नीचे से चिपकने लग जाता है। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा पानी, और फिर इसको चला ले रही हूँ। और इसको मैं 1 उबाल आने तक छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसमें चीनी डालूँगी और फिर कुकर की सीटी लगाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए उबाल आ चुका है, और अब इसमें डाल देते हैं शुगर और इसको भी चला लेते हैं अच्छे से। और चलाने के बाद इसमें सीटी लगा लेंगे कुकर की। मैंने इस 2 सीटी लगाई थी, उसके बाद मैंने इसको एक बार खोल कर देखा। तो एक बार आप चेक करते रहना, नहीं तो क्या होता है ना, नीचे से सड़ जाती है, चिपकने लगती है। ऊपर से तो सीटी दे देती है लेकिन नीचे से चिपकने लग जाती है। तो 2 सीटी के बाद एक बार चेक करना। और यहाँ पर मैंने केले को 2 हिस्सों में कर दिया है। आधा केला का मैंने ऐसे स्लाइसेस काट दिया है और आधा केला को मैंने ये इसमें डाल दिया। तो मेरा, मैंने 2 सीटी के बाद में 2 सीटी और लगाई थी, तो जाके मेरा दलिया बना। और यहाँ केला से मैश केला को दे दिया है और यहाँ पे इससे गार्निश कर दिया है। तो कैसा लगा आपको दलिया बनाना खीर, ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है एक लाइक कर दीजिएगा, और मॉम किड्स केयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसी रेसिपीज़ लेके फिर नेक्स्ट संडे को आ जाऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।